बोलो ना, हम कुछ बोलिए, चालू है ब्लॉगिंग तुम्हारा? बोल ही नहीं यार, हमारे आपसे बोले गए, हम कुछ बोलिए, हम तो बोल सका ही ऐसा ना है। हेलो दोस्तों, अभी देखिए हम और सोनुआ आएगा और लड़का जो मलिकवा है गड़िया का मलिकवा जो पीछे बैठल है और नौसिखीवा है वो चलाने में लगल है गाड़ी, टोटो है चलाने का कोई, अरे मार दिया उलट में कार है पीला जाकर उठ गए ले चप्पलवा गिर गए, रुको चप्पलवा गिर गया, अभी मेरा चप्पल गिर गया था और सुबह सुबह का टाइम है, अभी भगवाए हुए हैं, चकवा उठाओ तुमको, अभी चक्कर को मना कर रहा है लेकिन चल जाने के लिए, और चलाने नहीं आता, चक्का उठा दिया है और ब्रेक पर तो पैर रखा नहीं है, देखिए ब्रेक ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना ब्रेक की गाड़ी, मतलब कि चला रहा है एट रैंडम, अचानक ब्रेक मारने का इसका मोटिव है। देखते हैं, जा रहे हैं तमोलिया पुल का प्लान किया घूमने के लिए, बेलछी में ही पड़ता है, गाँव है हमारा बेलछी है ना। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये माल रोड तो बोला जाता है माल रोड, अब आ गए बेलछी पावर हाउस जो कि सामने में है, ये देखिए बेलछी हाईवे है NH 31 जिसको बोल सकते हैं, हरनौत से बख्तियारपुर ब्यासी दोनों तरफ मेल करती है, और ये रही इस गांव का बेलछी गांव का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। सो दोस्तों अब आ चुके हैं बेलछी टाल, सही है जो कि पनिया अभी कम गया है, ऐसे यहाँ पे देखते ना इसमें जितना एरिया दिख रहा है अगर पानी पुल रहता तो एक समुंदर की तरह दिखता है ना, एक समुंदर की तरह दिखता और बड़ा ही मतलब कि डरावना मंजर रहता, अगर तेज हवा रहता तो उसका जो हल्फा चलता है जिसको बोलते हैं क्या लहर, लहर चलता है जो ऊपर से उभरता हुआ आता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे देखने में। ये तो देख ही रहे हैं रोड अपना NH 31, ये भी काफ़ी ख़तरनाक रोड बन चुका है, हमेशा महीना में एक दो एक्सीडेंट यहाँ पे निश्चित है, यहाँ पे नहीं है पूरे रोड में जो 13-14 किलोमीटर के रेंज में है कहीं भी हो सकती है। ये हुआ हम लोग बचपन में यहाँ पे स्नान करने आते थे, यहाँ पे बहुत तेज़ धारा चलता था, इधर से कूदते थे और उस तरफ जा कर के निकलते थे, और इधी चौदह देख रहे हैं ना, यहाँ पे पुल बन गया, पहले पुल नहीं था, एक छोटा सा पुलिया हुआ करता था और नीचे पिलर टाइप का बना हुआ रहता था, बाकी तो बड़ा बन गया और ऊंचा भी बन गया, पानी भी कम गया है, चंडी पे आ गया, हम भी चंडी पे आए हुए हैं और आ करके टोटो का मज़ा ले रहा है, अब फिर से वापस जा रहे हैं घर। इस जगह का नाम कोजी रे सुनो, अरे छिलका पर बोला, यही छिलका पर है लेकिन कुछ खास छिलका पर जैसा दिख नहीं रहा, उधर अहरामा गांव है, वो सर जो दिख रहा है अहरामा गांव है, चल वो सर जो सामने दिख रहा है वो मेरा ब्लॉकवा नहीं का है, और वो देखिए सामने में एक वीडियो डाले थे इंस्टाग्राम पे, वही ब्लॉक है बेलछी का। दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं बाढ़ की ओर, बाढ़ जा रहे हैं, इसका बाइक का सर्विस करना है और हमें शोरूम भी विजिट करना है, एक हीरो का एक्सट्रीम का प्लान किए हुए हैं और दूसरा रॉयल इनफील्ड का हंटर, रॉयल इनफील्ड हंटर का जो प्लान किए हुए हैं, जाकर के शोरूम विजिट करेंगे, कितना प्राइस पड़ रहा है, दोनों गाड़ी का कंपेरिजन रेट पता करेंगे, उसके बाद विश्वकर्मा पूजा तक चांस बनता है कि हो सके तो निकाल लें, अगर नहीं निकाल पाते मैक्सिमम रेट जाता है कैजुअल रेट रहता है तो निकाल पाएंगे, अगर ज़्यादा रेट चला जाता है तो विश्वकर्मा पूजा के बाद निकालने का चांस बन रहा है, फिर भी कोशिश रहेगी कि विश्वकर्मा पूजा के अंदर ही निकालने का प्रयास करेंगे और आगे आपको दिखाएंगे। अभी अपने गांव से निकल चुके हैं, आगे आगे वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों देखो अभी इतना तेल बचा हुआ है, अभी इतना में दिखा रहा है कि 132 किलोमीटर चलेगा और इसका भी ये फर्स्ट सर्विसिंग है, देखते हैं पूरा कितना किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, देखिए 953 किलोमीटर अभी गाड़ी चल चुका है और इसका माइलेज भी दिखाते हैं आपको कि अभी फर्स्ट सर्विसिंग से पहले ये गाड़ी कितना का माइलेज दे रहा है, अभी देखते हैं, अभी 80.6 का, अभी 78.8 हो गया, ये फर्स्ट सर्विसिंग से पहले का माइलेज है, फिर इससे बड़े अप डाउन हो रहा है अभी माइलेज, फिर देखते हैं कि सर्विसिंग का बाद इसका माइलेज बढ़ता है या फिर घटता है, फिर हम बताएँगे आपको ये नेक्स्ट वीडियो में। तो मतलब कि गाड़ी को परचेज किया था और 1000 किलोमीटर इसका गाड़ी का सर्विसिंग था, फर्स्ट सर्विसिंग का मतलब कि माइलेज एवरेज दिखा रहा था कितना है और सेकंड सर्विसिंग के बाद क्या एवरेज रहता है ये गाड़ी के अगले वीडियो में
जाएगा ये, इसका यूट्यूब चैनल अलग है। बेलसी से बाढ़ जाने समय एक सक्सोरा बाजार पड़ता, वहीं पहुंच गए हैं। और ये रही हमारी सक्सोरा मार्केट। मार्केट तो अंदर पड़ता है, ये बाहर बाहर निकल जाता है रोड, लेकिन थोड़ा मार्केट को टच करता है। सक्सोरा मतलब कि लच्छुचक के गांव है, वही गांव से टच करते हुए निकलता है रोड बाढ़ के लिए। और हम लोग अभी ये इधर हो गया बींद मोड़, ये वाली जो गई बींद मोड़ हो गई, थोड़ा ज़्यादा बींद और सरमेरा चला जाता है, और ये चली जाती है रोड बाढ़। लच्छुचक गाँव इधर है, लच्छुचक गाँव मतलब कि आ चुके हैं और क्रॉस कर रहे हैं। लच्छुचक गाँव पार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, छोटा सा गांव है लच्छुचक, और यहीं पे एक छोटा मोटा मार्केट है, और बाकी का मार्केट जो है अंदर है। रोड है जो ईटा वाला टोटो जा रही है, वही थी मतलब सक्सोरा मेन बाज़ार जाने वाला रास्ता। और एक रास्ता आगे से भी है, उसे भी दिखाते हैं आपको। वो रास्ता जो है बाढ़ से आती है तो डायरेक्ट सक्सोरा मार्केट में इंटर करती है, वो रास्ता है। इधर से जाने के लिए अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का बेलछी एरिया है, उधर से जाने के लिए हमारा शॉर्टकट रास्ता वही था। और दूसरा रास्ता है जो ये एक बिल्डिंग के आगे वाली रास्ता है, कवाड़ा वाला, वही है सक्सोरा गाँव ही है, लेकिन अंदर जाकर के छोटा मोटा बाजार है। और ये रास्ता रहा सक्सोरा बाजार जाने के लिए।
ब्राह्मणी स्थान पार कर रहे हैं, मतलब पार्क ये नहीं है, थोड़ा सा आगे है ब्राह्मणी माता का मंदिर। यहाँ का खासियत ये है कि यहाँ का अगर दिल से कुछ मांग ले तो पूरा हो जाता है। यहाँ का ये खासियत है, हर मंगलवार के दिन यहाँ पे मेला लगता है, बहुत सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं, माता का दर्शन करते हैं, ब्राह्मणी माता का। और यही है मंदिर यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी मतलब कि प्रचलित मंदिर है यहाँ का। बाहुबली अनंत सिंह का यही गांव है, पहले यहीं पे आगे एक पुलिया हुआ करता था, वहीं पे रहते थे। ये रोड है जो कि अनंत सिंह का मतलब कि बोल सकते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रकार से कब्जा किया हुआ रहना, यही रोड पे कब्जा था। सिर्फ अनंत सिंह की ही गाड़ी चलती थी इस पर, इसके अलावा और किसी का गाड़ी नहीं चलता था इस पर। अगर दूसरा कोई पैसेंजर गाड़ी इधर लेकर के आता था तो अनंत सिंह के आदमी जितने भी ड्राइवर होते थे, खलासी होते थे, उस दूसरे गाड़ी वाले को बहुत पीटते थे, हाथ पैर तोड़ देते थे, भगा भी देते थे। तो यानी कि यहाँ पर अनंत सिंह का जो होता है खौफ बन गया था। अनंत सिंह के आगे एक मट्टी भरा अनंत सिंह का सही है, उनका ही है कि किसी और का है। उनकी पत्नी मोकामा से नीलम देवी हाँ विधायक में जीते हुए हैं और वो यहाँ रहते नहीं है। यही एक लदमा गांव, यहाँ पे बहुत सारी रहस्य छुपा हुआ है। कहने को है कि यहाँ एक सुरंग भी था, है ना। कुछ देर में बाढ़ पहुंचने वाले हैं। हम लोग कौन सा क्षेत्र आ गए हैं बता? ये डंगा क्षेत्र आ गए हैं। देखिए एक डंगा क्षेत्र आ गए, ये लदमा का नया ट्रांसफर बन रहा है जो 1,33,000 को कन्वर्ट करके देगा आपको। ये नया इलेक्ट्रिक पावर हाउस बन रहा है जो 1,33,000 को कन्वर्ट करके देगा आपको 33,000 में, उसके बाद 11,000। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक 1,33,000 को कन्वर्ट करेगा। न्यू पावर स्टेशन बन रहा है जो 1,33,000 को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। हम लोग के साथ पास एक बेलछी गांव में जो वीडियो में बनाए थे उसी का एक शॉर्ट वायर यहाँ से गया है। पोलिया बहुत बड़ा पोल यहाँ पे दिया हुआ है, क्षेत्र से गया हुआ है। और बाकी इधर देख सकते हैं पूरा बाढ़ का जो बेलछी का जो सब बोलते हैं ना टार, ये सब सारा टार है। दूर दूर तक कहीं कोई गाँव नहीं दिखाई देगा, इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं कहीं नहीं दिखाई देगा। हम लोग का यही टाल है, इससे बड़ा टाल मोकामा का टाल होता है जो कि इसके आगे वाला ही होता है। मोकामा ही बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं मोकामा यहाँ से। तो मतलब कि हम लोग के क्षेत्र से टाल ही टाल मिलता है। इधर एक गांव से बाद मिलने के बाद 4-5 किलोमीटर बाद दूसरे गांव मिलता है। अगर इससे ज़्यादा दूर और जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर बाद गाँव मिलता है। यानी कि बीच में कोई स्टॉप नहीं, लगातार चलते रहिए। कोई पानी का भी अगर गर्मी का मौसम मिल जाए तो पानी का भी साधन नहीं मिलेगा इस क्षेत्र में ऐसा। और चिकनी मिट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसको बोल सकते हैं काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। बेढ़ना में एक भव्य तालाब है और मंदिर भी है एक। शिव शक्ति सरोवर इस तालाब का नाम है और यहाँ पे शादी विवाह मुंडन वगैरह बहुत चीज़ होता है यहाँ पे। और बेढ़ना के एक मंदिर रोड पर है, ये वाला बहुत ही भव्य तरीका से बनाया गया भव्य मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। पहले दोस्तों बाढ़ पहुँच चुके हैं और ये अपना ट्रैफिक लगी रेलवे का जो कि साउथ बिहार एक्सप्रेस जा रही है, ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करेंगे।
रेलवे फाटा क्रॉस करने के बाद बाढ़ का नजारा। यहाँ पे सुबह सुबह ज्यादा जाम लगा हुआ रहता है, गाड़ी पार करने का जगह नहीं रहता है, गाड़ी तो दूर गया, एक बाइक भी नहीं पार हो सकती है, जितना मतलब कि यहाँ पे क्राउडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी भी दिख ही रहा है, देखिए निकल दो पीछे से, अब पीछे से कैसे निकलते, पीछे गाड़ी चला, तो सिंगल रोड है, रुकना यार। होंडा शोरूम बोले तो पहुंच गए, कार शोरूम नहीं होंडा शोरूम, अरे रॉयल इन्फिनिट का यह रहा शोरूम, यही रहा, चलो देखो भीड़ कर लेते हैं। अच्छा होंडा यही है, रॉयल इन्फिनिट दोनों यहीं पे शोरूम है ना, चलो आ जाओ। कितना देर में टाइम लगेगा? होंडा शोरूम तो आ गए हैं, सर्विसिंग में एक घंटा का टाइम है, ऑर्डर लगने में आधा घंटा का टाइम लिया। चार ब्राइटनेस कम रखे हुए हैं खाली, और थोड़ा लगी दिक्कत ना है, पेपर में ज़्यादा बैकअप नहीं ना दे रहा। होंडा का तो निकल लिया शोरूम से, हमारा तो समझ में नहीं आता है। चले क्या दोस्तों, अब जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, ये देखो लगा हुआ है ना सामने सामने गाड़ी, हंटर है, वही गाड़ी निकाल के लिए है ना। आप भी गिरगिट नहीं चाल बदलते हैं ना।